हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि अगर हमें ठंडे में अभी जबकि प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो अगर बैगन भरता यानी बैगन रोस्ट खाने का मन हो तो फिर हम किस तरह से इसे बनाएं ताकि ये खाने में टेस्टी तो बने ही साथ में ये हेल्दी भी बने। जी हाँ, इसके लिए मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं मेरे घर में ये बैगन रोस्ट यानी जिसे हम लोग बंगाली लोग बेगुन पोड़ा कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि बैगन भरता, ये किस तरह से बनाते हैं ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी बने और हेल्दी भी बने। और साथ में मैं आप लोगों से आज एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि इस तरह का रोस्ट रेसिपी करने के लिए मैं मेरे घर के गैस को किस तरह से बचत करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कौन सा चीज का इस्तेमाल करती हूँ ताकि हमारी गैस की बचत हो। जैसे गैस तो बहुत ज्यादा महंगे हैं और दूसरी बात, अगर हम इसका बचत करते हैं तो क्या होगा, हमारे अगले जेनरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो इसलिए हमें तो गैस की बचत सभी को थोड़ा थोड़ा करके घर पे करना ही चाहिए और खासतौर से इस बात पे ध्यान भी देना चाहिए कि गैस की बर्बादी बिल्कुल ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के रोस्ट रेसिपी बनाने के लिए मैं कौन सा चीज का इस्तेमाल करती हूँ और ये हेल्दी और टेस्टी वाला बैगन रोस्ट यानी बैगन पोड़ा या बैगन भरता हम किस तरह से बनाते हैं। बैगन को अच्छी तरह से धो के चाकू से इस तरह से एक तरफ थोड़ा सा डीप करके दागी दे लेना है और दागी देके अंदर तक देख लेना है कि कोई कीड़ा वगैरह है या नहीं। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और अच्छी तरह से इसे चारों ओर लगा लेंगे। अब छोटा गैस में हम इस तरह का तंदूर वाला जाली को बैठाएंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से बैगन को दे देंगे और बैगन के साथ देखिए बगल में जगह भी है तो इस जगह पे हम टमाटर और मैं यहाँ पे एक प्याज को भी रोस्ट करूँगी, इसलिए इन तीनों को अगर हो जाए तो एक ही जगह में हम दे देंगे और गैस को बढ़ा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट होता रहे। ये तंदूर जाली में आप देख सकते हैं आग किस तरह से पूरा जाली में अच्छी तरह से फैल चुका है, जिसके कारण ये गैस जो सीधा आपका ऊपर की तरफ लो जाती है वो चारों ओर इस तरह से फैल गई है कि हम तीनों चीज को एक साथ वहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। यानी आप सोचिए एक एक करके अगर हम रोस्ट करते तो उसमें कितनी गैस की बर्बादी होगी, लेकिन तीनों को एक साथ करने के लिए गैस की कितनी बचत हो रही है। चारों ओर अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसे हम इन तीनों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में आप इसको थोड़ा आंच को धीमी भी कर सकते हैं। कोई छुरी या फिर इस तरह का फॉर्क से आप अच्छी तरह से अंदर तक इसको घुसा के देख लें कि ये बैगन अच्छी तरह से पक चुका है कि नहीं। अब एक थाली में हम या फिर कटोरी में हम ठंडा पानी लेंगे और अलग कटोरी में हम इस बैगन को रखेंगे और इस तरह से देखिए थोड़ा सा छीलेंगे और हाथ को थोड़ा सा धो लेंगे। आप देखिएगा ऊपर का छिलका झटपट उतर जाएगा। आप देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी ये उतर रहा है। अब बैगन को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। आप मैशर भी ले सकते हैं या फिर मैशर नहीं होगा तो फिर आप इस तरह का कोई ग्लास या फिर कटोरी का पीछे से भी मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें देंगे जो रोस्ट किया हुआ प्याज था उसका मैं छोटी छोटी टुकड़े में काट ली हूँ और साथ में कटी हुई नॉर्मल प्याज, जो रोस्ट किया हुआ टमाटर है उसको भी मैं यहाँ पे मैश कर ली हूँ, साथ में धनिया पत्ता। यहाँ पे मैं छोटा 1 टीस्पून नमक दी हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार दें, और कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में मैं यहाँ पे दूंगी 1 चम्मच सरसों का तेल। अब इसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे। इस छोटा तंदूर का इस्तेमाल करके मैं इसमें पापड़ का रोस्ट हुआ या फिर पनीर का तंदूर करना हुआ या फिर चिकन का, जो भी तंदूर करने का मन करता है वो मैं इस जाली का यूज़ करके मैं करती हूँ।
तो दोस्तों मैं तो आप लोग से शेयर कर दी कि बैगन रोस्ट की रेसिपी हम किस तरह से घर पे बहुत ही जल्दी और आसानी से बना सकते हैं, और खास तौर से जिन्हें बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है वो भी इसे बहुत आसानी से बना के सभी को सरप्राइज कर सकते हैं कि देखिए मैंने आज इसे बना लिया। और साथ में मैं जो आप लोगों से शेयर की कि गैस को बचाने के लिए हम किस तरह से ये छोटा वाला तंदूर को हम यूज कर सकते हैं, इसे छोटा तंदूर कहते हैं सर, तो मैं तो कहूंगी गैस सेविंग्स के लिए ये जो जाली हम यूज करते हैं, तो अगर इसे आप सभी खरीद लें और इस तरह का रोस्ट रेसिपी या कुछ भी इस तरह का बनाना हो तो उसमें यूज करें तो गैस की बहुत ज्यादा बचत होगी। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।